तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें भी बताएंगे, जिन्होंने सर्वोच्च अदालत की तरफ से बंगाल सरकार को फटकार लगाई गई। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए बीजेपी नेताओं की, जो सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये माना है कि पुलिस की ओर से जमकर लापरवाही हुई है, हीला हवाली हुई है, एफआईआर करने में देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट भाड़ी का आ जाएगा, थोड़ा वेट करना चाहिए। बंगाल का जनता, देश का जनता देख रहा है किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार पूरा लॉयर का टोली लगा दिया है दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट में मिचिल जुलूस कर रहा है। वी वांट जस्टिस। आज जस्टिस रोकने के लिए ममता बनर्जी का सरकार का जो कोशिश, वो लाइव व्यू में पूरा भारत देख रहा है, देख रहा है। 15-20 सीनियर लॉयर आर मूविंग इन फेवर ऑफ दी ममता सरकार। इट्स देयर प्रोफेशन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, बट किस तरह से कोशिश कर रहा है जस्टिस को रोकने के लिए, ये पूरा देश का जनता देख रहा है। बंगाल तो देख रहा है, पूरा देश भी देख रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे और पूरा देश सवाल कर रहा है, यही कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी भी। अनामिका सिंह मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, ये जो केस है इसको लेकर उबाल हम हर किसी में देख रहे हैं, डॉक्टर्स में देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक पूछ रहे हैं कि किया क्या है बंगाल सरकार ने, और अब भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन में विरोध कर रही है। देखिए सलोनी, आपको वो लाइनें याद होंगी रविंद्रनाथ टैगोर की, जब वो कहते हैं कि यदि तो डाक सुने क्यों ना आसे तो वे एकला चलो रे। तो इसका मतलब यही कि जो स्थितियां विपरीत हुआ आपके, तो आपको अपनी बात मजबूती से रखनी पड़ती है। कलकत्ता की सड़कों पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां पर देखिए मेरे दाएं हाथ पर या मेरे बाएं हाथ पर, जहां पर भी आपकी नजर जाएगी इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ जो लोगों का हुजूम है अब वो दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पे हर हाथ में जो आपको दिख रहा है बैनर दिख रहा होगा, उस पर वी वॉन्ट जस्टिस, आपको रूपा गांगुली से लेकर के शुभेंदु अधिकारी से लेकर के अभिनेता पॉल से लेकर के तमाम जो बंगाल बीजेपी के लीडर्स है, चाहे वो महिला लीडर हो चाहे वो पुरुष लीडर हो, इसके अलावा जो आम लोग हैं, कलकत्ता के लोग हैं, जो बंगाल के लोग हैं, आज बंगाल की अस्मिता को बचाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लगातार सुनवाई चल रही है, तो वही दूसरी ओर बंगाल की सड़कों पर, कलकत्ता की सड़कों पर आज यहाँ पे हल्ला बोल चल रहा है महिलाओं की ओर से, और कम से कम मांग यही पर यह है कि जो आरोपी उसको फांसी दी जाए। कुछ लोगों के हाथों में यहाँ पे फांसी का फंदा देख पा रही हूँ मैं, कुछ लोगों के हाथों में यहाँ पे मैं हथकड़ी देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे अपने अपने तरीके आक्रोश को जाहिर करने का, लेकिन मतलब सबका एक है, मकसद सबका एक है कि जो इस पूरे मामले में हीला हवाली बरती गई सरकार की ओर से, बंगाल सरकार की ओर से बहुत बड़ी लापरवाही, और इसका जिक्र सर्वोच्च अदालत ने भी आज किया अनामिका। लेकिन इसी बीच हमारी बहुत बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पुनीता, जतिन और गायत्री सुप्रीम कोर्ट के बाहर है। लेकिन सबसे पहले अब जतिन आपके पास आते हुए, देखिए प्रदर्शन हो रहा है, इंसाफ की मांग की जा रही है, वो ठीक है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि सीबीआई की, अनामिका आपके पास ही आएंगे, जितने आपके पास लौटते हैं अभी। अनामिका, ये जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, बीजेपी के नेता जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जाने की कहां तैयारी है? क्या स्वास्थ्य भवन का घेराव किया जाएगा या आगे कुछ और भी तैयारी है? बिल्कुल, देखिए जो प्लान था वो यही था, प्लान वो यही है कि जो स्वास्थ्य भवन है आगे। हालांकि बहुत हैरानी की बात यह है कि अब तक जो ये काफिला देख रही है आप, ये जो कारवां देख रही है आप लोगों का, ये 5 से 6 किलोमीटर चल चुका है लगातार रेंगती हुई, ये जो आप रफ्तार देख रही है लोगों की, आगे कुछ करने की तैयारी है स्वास्थ्य भवन के लिए। आगे स्वास्थ्य भवन है, ये वही स्वास्थ्य भवन है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, जिसका काम ये था कि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चले। जो मेडिकल कॉलेज है वो इसी के अंडर में भी आता है, लेकिन जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी विभत्स वारदात को अंजाम दिया गया, लिहाजा स्वास्थ्य भवन का जो घेराव करने का प्रयास है वो यही है यहाँ पे कार्यकर्ताओं की ओर से, साथ ही महिलाओं की ओर से। हालांकि इस बीच आप देख पा रही हो कि जो सीएसएफ के जवान है, जो सीआरपीएफ के जवान है, जो बंगाल पुलिस के जवान है, वो आपको जगह जगह पर दिखाई दे रहे होंगे। पहले उनकी ओर से ये कहा गया कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन हजारों की संख्या में जब कार्यकर्ता सड़कों पर उतर पड़े, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, आम लोग भी हैं,
तो इतनी तादाद को देख करके कम से कम सीआरपीएफ के जवानों ने सोचा और समझा ये कि इनको आगे बढ़ने देने में ही भलाई है, क्योंकि आगे स्वास्थ्य भवन है और जो कार्यकर्ता है वो बस यही चाहते हैं कि वो वहाँ पे जाकर के अपनी बात को आगे रख सके, ज्ञापन सौंप सके, घेराव कर सके, अपनी नाराजगी जाहिर कर सके, अपनी आवाज बुलंद कर सके। बंगाल की बिटिया के पक्ष में जिस तरीके से यहाँ पे कार्यकर्ता अड़े हुए हैं लगातार कई दिनों से, उस आवाज को और धार देने का प्रयास यहाँ पे इनकी ओर से किया जा रहा है और यही वजह कि आज बंगाल की सड़कों पे आपको पैर रखने की जगह दिखाई नहीं देगी। स्वास्थ्य भवन जाने वाला ये रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पर अब बाकी जो सामान्य गाड़ियां चलती हैं उनको रोक दिया गया है, क्योंकि रास्ता है ही नहीं, जगह है ही नहीं, पैर रखने की भी जगह नहीं है। सर्विस लेन हो या फिर मेन रोड हो या फिर लेफ्ट या फिर राइट, आपको जगह जगह पे सीआरपीएफ जवानों की घेराबंदी के बीच यहाँ पे जो आम लोग देख रहे हैं, जिनको आप बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो सभी यहाँ पर पैदल चल रहे हैं। रूपा गांगुली हो चाहे ओमित्रा पॉल हो, सभी जो महिला कार्यकर्ता, जो महिला लीडर्स हैं, वो भी 5-5, 6-6 किलोमीटर्स लगातार पैदल चल रही हैं। उनके साथ हम भी पैदल चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे स्वास्थ्य भवन है और इन लोगों का जो अंतिम पायदान होगा इस प्रदर्शन का वो स्वास्थ्य भवन ही होगा, जहाँ पर ये प्रदर्शन रुक जाएगा, स्वास्थ्य भवन का घेराव किया जाएगा। हालांकि देखना ये होगा, क्योंकि बंगाल पुलिस की ओर से ही कहा गया कि स्वास्थ्य भवन आपको नहीं जाने देंगे, तो चूंकि स्वास्थ्य भवन आगे देख रही है आप, किसी मेट्रो स्टेशन के आगे है, तो ऐसे में आगे जा पाएगी टीम, जो कार्यकर्ता है वो जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि स्वास्थ्य भवन का घेराव करने के लिए जो है 2-3 चौराहे हैं जो लगते हैं वहाँ पे। इसके अलावा सुबह से ही स्वास्थ्य भवन पे जवानों की तैनाती कर दी गई है ताकि इस भीड़ को रोका जा सके। तो ऐसे में तनातनी का माहौल है, तनावपूर्ण माहौल है, स्थिति बिल्कुल वैसी है जहाँ पे दो लोग आर पार दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे जवान भी है, बंगाल पुलिस के जवान भी हैं और दूसरी ओर कार्यकर्ता है और आम लोग हैं, जो कि जिद पर अड़े हुए हैं कि वो स्वास्थ्य भवन जाएंगे, घेराव करेंगे, अपनी बात मजबूती से रखेंगे और अपनी नाराजगी को दर्ज करवाएंगे। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से, और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी जतिन का, क्योंकि जतिन भी जुड़े हैं हमारे साथ कोलकाता से ही। जतिन, जहां पर मेरी मौजूदगी है यहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है, जमावड़ा है, नाराजगी है और प्रयास किया कि स्वास्थ्य भवन तक पहुंचा जाए, आप जहां पर मौजूद हैं क्या जानकारी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई लगातार चल रही है। आज बिल्कुल देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को अपडेट कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई जो है अब वो 5 तारीख तक के लिए टल गई है। 5 सितंबर को अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दोबारा से बैठेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगली डेट देने से पहले इतना बिल्कुल डॉक्टर्स के लिए बोल दिया कि वो एक तरीके से बोल रहे हैं कि अपनी जो हड़ताल है उसको बंद करें, क्योंकि उससे देश के जो दूसरे जिनको जरूरत है डॉक्टर्स की, उनका नुकसान हो रहा है। उन्होंने एम्स का भी जिक्र किया कि पिछले 12 दिनों से एम्स के डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पर है, लोग जो महीनों अपॉइंटमेंट लेने के लिए इंतजार करते हैं, उनको खासी इसका दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी में यह भी बोला कि सीबीआई की एक तरीके से जो रिपोर्ट सबमिट की गई है वो सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो रिपोर्ट सबमिट की वो अब सीबीआई के पास, जो सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, और दोनों को अब वो अध्ययन कर रहे हैं। जितने भी लूपहोल्स हैं अगली तारीख पर अब जो तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको पेश होना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कपिल सिब्बल को कि आप उन अधिकारियों को लेकर आइए, उनको कोर्ट में पेश कीजिए जिन्होंने ये सारी जो चीजें हैं वो की हुई थी, जिनको इस पूरी जानकारी एक एक डिटेल उनके पास है। पुनीता के पास चलेंगे। पुनीता, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार जतिन और अनामिका तस्वीरें जो हैं वो पहुंचा रही हैं और साफ तौर पर जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, यही आक्रोश इस वक्त जो है पूरे देश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंसाफ की मांग हो रही है, न्याय की मांग हो रही है। लेकिन आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई खत्म हो चुकी है। डॉक्टरों से जरा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो सुनवाई को जो है बड़ी गहनता से सुन रहे थे। उनसे जान लेते हैं कि जो कुछ कहा गया है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे, क्या क्या हाँ। और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्हें ये कहा गया है कि आप काम पर लौट जाएं। हाँ। लेकिन हम लोग काम पर नहीं लौटना चाहते, हम लोग का भी मीटिंग चल रहा है आपस में अपने कॉलेज में और बाकी के कॉलेजेस के साथ भी। हम लोग चाहते हैं जब तक जो जुर्म किया है वो जब तक पकड़ा ना जाए तब तक हम लोग शुरू नहीं करेंगे। जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी नहीं चाहते कि वो अपने काम पे लौट जाए। आपकी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि प्राथमिकता है, राष्ट्र प्राथमिकता है, वो सुनिश्चित होगी, सुरक्षा सुनिश्चित होगी, फिर काम पे सुरक्षा आ जाएगी, कल रहेगी कि नहीं इसका गारंटी कौन लेगा, है ना। कल फिर से दोबारा ऐसा हो सकता है और दोबारा किसी के साथ अगर होगा तो दोबारा हम लोग सिक्योरिटी का बात करेंगे। जो लोग क्रिमिनल है उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, उनको पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। तो हम लोग का प्राइमरी वही है कि उसको पकड़ा जाए, उसको सबसे ज्यादा सबक मिले,
ठीक है, ये तो सेकेंडरी आता है कि सिक्योरिटी एंड ऑल ये सब तो होना ही चाहिए, होगा, ये सेकेंडरी है, सबको पता है कि होना चाहिए, लेकिन जो अभी भी सरेआम घूम रहे, ठीक है, हम लोग को सोच के डर लगता है, हमारे जो फीमेल स्टूडेंट्स है या फिर बैचमेट्स है उनके बारे में हम लोग को सोच के डर लगता है, वो लोग घर से आ नहीं सकते डर के मारे, तो उनके बारे में सोच के हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग काम पे नहीं लौटेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक जो अभी तक खुलेआम घूम रहे उनका उनको पकड़ा जाए। तो जो आरोपी है उसे पकड़ा जाए, ये मांग। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप लोगों ने सुनी, क्या कहेंगे? जो टिप्पणी की गई है, जो बातें कही गई है, क्या उससे संतुष्ट हैं? और काम पर लौटने के लिए कहा गया है, क्या लौटेंगे? नहीं देखिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सीबीआई से, उतना प्रोग्रेस हमें तो नहीं मिला, पता नहीं क्या कोर्ट में उन्होंने जो खाम में दिया है वो क्या होगा इन्वॉल्व में, वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ हम जस्टिस के लिए अभी तो लड़ेंगे। और जो सीजोर के बारे में उन्होंने कहा, तो स्पेसिफिकली जो एम्स के जो डॉक्टर्स को वो धमकी दे रहे थे कि अगर वो नहीं ज्वाइन करेंगे वो एक्शन लेंगे, तो कोर्ट ने कहा है वो उन लोगों ने ज्वाइन भी मतलब कुछ ज्वाइन भी कर चुकी है ऑलरेडी, तो एक्शन तो नहीं लेना चाहिए। सीधे इंसाफ की मांग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है फिलहाल।